शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पुल के पार ले लीजिए। ये हमारा नया घर है। दीदी, गांव वाले कह रहे कल रात यहाँ बिजली गिरी थी। ये रख लो बेटा। आपके बंगले के लिए मैं ग्राहक ढूंढता हूँ और आपके लिए दूसरा बंगला। मम्मी, ये ब्रिज कितना तंग है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दीदी जरा संभाल के। ये घर तो भूषण जी वाकई बहुत दूर पर जाता है। हाँ वो तो है, पर मैडम आपका बजट ही इतना था कि इतने कम पैसों में शहर में घर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। पुल बहुत तंग है मैडम, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप एक काम कीजिए, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पुल के पार ले लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे बंगला भी तो सामने ही है। लीजिए मैडम, आ गया आपका घर। आइए मैडम, आइए। आज तो हम यहाँ रहेंगे साशा। डोंट बी स्टूपिड, आप कॉल मी दीदी। और हाँ, ये हमारा नया घर है। हम अपने पुराने घर में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमने वो घर बेच दिया है। कमाल है, लॉक ही नहीं खुल रहा। पर कल जब मैं सामान रखवाने आया था तो इसी चाबी से लॉक खोला था मैंने। अच्छा, मैं पीछे जाकर देखता हूँ कोई दूसरा रास्ता होगा अंदर जाने का। साशा, इसका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके। सॉरी मैडम, अंदर से सेफ्टी लॉक अटक गया था इसलिए बाहर से लॉक खुल नहीं रहा था। कोई बात नहीं। वाओ, कितना अच्छा घर है, तुझे पसंद आया? नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया। वैसे भी तुझे क्या पसंद आता है डफा। मम्मी, हमारा कमरा तो ऊपर होगा ना, हम देखा है? हाँ देखा, सीढ़ियों पे संभालना। देख लीजिए मैडम, सारा सामान ठीक तरह से लगवा दिया। देखो, आपकी डॉल भी है यहाँ पे। चलो साशा, तुम भी सो जाओ बेटा।
अभी 5 मिनट की ब्यूटीफुल सी ड्राइंग कंप्लीट कर लूं फिर सो जाती हूं। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम स्वीट ड्रीम्स। दीदी गांव वाले कह रहे हैं कल रात यहाँ बिजली गिरी थी, वो लोग इस बात को अपशगुन मानते हैं इसीलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। रख लो बेटा। मगर किस लिए? ये तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे ही लिए। लेकिन इसके पैसे मैं आपको अभी नहीं दे सकती। बेटा बिकने के बाद ही दे पाऊंगी। बेटा ये बेचने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे काम आएगा बेटा, रख लो। सुनिए, लेट्स चेक आउट देयर। अरे कैन यू शो मी दिस? So beautiful. Wow. How much is this? 500. Mm-hmm. Take this. Thank you. Thank you. It's beautiful. Thank you.
सुनिए सुनिए हेलो संजना जी, आपने जो जगह बताई थी वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं मिली, किसी औरत की लाश नहीं मिली। सर मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, वो औरत उसी बेंच पर बैठी थी और जैसे ही मैंने उसे छुआ तो वो वहीं गिर गई। लेकिन मैडम हमने बेंच ही नहीं आसपास का पूरा इलाका छान मारा है, मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आपको उस औरत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ओके ओके। यो फायर फायर फायर। चलो बेटा सो जाओ। नहीं मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, मैं खेलूं। फायर फायर। खेलना वेलना कुछ नहीं, सो जाओ फौरन। और मीशा तुम भी। ओके मम्मा। ओके। फायर फायर फायर। ऊ फायर। गुड नाइट मम। गुड नाइट। दीदी ये देखिए, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले पड़े हैं। लेकिन कैसे? मालूम नहीं, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने बेडरूम में हैं। हाँ। मिशा उठो। साशा। उठो बेटा। मिशा। उठो बेटा साशा। नींद आ रही है। साशा, घर में कोई चोर घुस आया है। हाँ? दीदी एक काम करते हैं, घर की सारी लाइट्स ऑन करके हल्ला मचाते हैं, या तो चोर भाग जाएगा या हम उसे पकड़ लेंगे। वहाँ भी कोई नहीं है। विक्की, खिड़कियाँ और दरवाजे। अच्छा चलो चलो अंदर, चलो चलो सब। ट्रैम, कम ऑन ट्रैम, कम इनसाइड, चलो। कम ऑन ट्रैम, कम ऑन ट्रैम, ट्रैम, ट्रैम।
यार किसने चलाया? यहाँ तो कोई भी नहीं। ये कहाँ चला गया? राम, 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 Drum! Drum! Come on, Drum! Drum! Come on! Come on, Drum! Drum! क्या बात कर रहा है विकी? मुझे भी टेंशन हो रही है उसके बारे में, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, राम को जब मैं खाना देने गया तो वो अपनी जगह पर नहीं था। उसे ढूंढता हुआ मैं घर के पीछे पहुंचा, वहां देखा कि वो जमीन खोद रहा है जैसे वहां से कुछ निकालना चाहता हो। एकदम एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। पहले मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। फिर आगे बढ़ के मैं उसके बेल्ट को पकड़ने गया, तब उसने मुझ पर अटैक कर दिया। इस तरह झपटा के मैं डर गया दीदी। विकी, ट्रैम्प से कैसे डर सकता है तू? तूने तो उसे पाला है बचपन से, अपने हाथों से खाना खिलाया है उसे। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मामा, हमारे ट्रैम्प को क्या हुआ? प्लीज मीशा, ट्रैम्प कहीं भाग गया है, बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एंड आई एम श्योर मम्मी, ट्रैम्प किसी चीज से जरूर डर गया होगा। नहीं, ट्रैम्प किसी से नहीं डरता शाशा। प्लीज मीशा, तुझे कितनी बहकाए, कॉल मी दीदी। विक्की मामा, मुझे ट्रैम चाहिए। हाँ बेटे। मम्मी, एक काम करते हैं, हम बाहर जाके ट्रैम को ढूंढते हैं,
And I'm sure, जब हम ट्रैम को बुलाएंगे ना, वो जरूर हमारे पास आ जाएगा। ट्रैम आ जाएगा बेटा रात में। और अगर नहीं आया तो हम उसे सुबह ढूंढ ले आएंगे, ठीक है? चलो अब जल्दी करो, होमवर्क बाकी है आप लोगों का और फिर सोना भी है। ओके मम्मा। पैसा? आप मुझसे पैसा मांग रही हैं? अरे कहां से दूं मैं आपको पैसा, कहां से दूं? अरे मैडम आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसा बंगला मिल गया। जितना आपका बजट था ना, उस बजट में इस कस्बे के नजदीक आपको कोई बंगला नहीं मिलता। पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था ये बंगला, और कितनी मुश्किल से मैंने इनके मालिकों को ढूंढ निकाला जो फॉरन में रहते हैं। अरे जिसकी दलाली भी नहीं ली मैंने, और मुझसे पैसे मांग रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती भूषण जी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बस उस घर में नहीं रहना चाहती मैं, प्लीज। ठीक है, जब आपने इरादा कर ही लिया है कि आपको वहां नहीं रहना तो कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं मैडम, आपके बंगले के लिए मैं ग्राहक ढूंढता हूं और आपके लिए दूसरा बंगला। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दोनों एक साथ मिल जाए। तो अगर दोनों एक साथ नहीं मिले तो आपको उसी बंगले में रहना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या सोच रही हो संजना? मैं तुम्हारे हिसाब से चलने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं संजना, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं विजय, लेकिन तुम जानते हो पापा की हालत, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है।
उन्हें इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? उन्हें भी साथ ले चलते हैं ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस बूढ़े पापी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? नेवर। अरे मेरा बस चलता ना तो मैंने कब का उसे इस घर से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। जो पाप उसने किया है उसकी सजा यही है कि वो यहाँ पर तड़प तड़प कर मरे। उनके पापों की सजा उन्हें मिल चुकी है विजय। मतलब तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे और मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता? तो ठीक है, तुम रहो यहाँ, करो उसकी सेवा, भुगतो उसके साथ। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और अपने बच्चों से भी कोई प्यार नहीं है तुम्हें? वो तुम्हारे हैं, उन्हें अपने पास रखना, उनसे भी सेवा करवाना अपने बाप की।